वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगले दिन यानी नेक्स्ट डे क्या होगा, आपका टेस्ट होगा और टेस्ट की आपने अच्छी तरीके से तैयारी भी की होगी, जैसा कि पिछले टेस्ट में आपने जो तैयारी की उससे ज्यादा तैयारी की होगी। तो टेस्ट प्रारंभ करते हैं और अपने जो आंसर है वो पहले टिक कर लेना जैसे ही मैं क्वेश्चन लगाऊं, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भी है कि इसका सही आंसर है क्या है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ठीक है, इसके ऑप्शन देखो, महामात्र, दूसरा है राज्योक, तीसरा अंतपाल और साहस। तो ये रहे एक क्वेश्चन के ऑप्शन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो न्याय व्यवस्था में मैंने बताया सर्वोच्च स्तर पर स्वयं सम्राट और निम्न स्तर पर ग्राम न्यायालय, ठीक है। इनके अलावा दो न्यायालय और होते थे, एक कंटक शोधन न्यायालय और एक धर्मस्थीय न्यायालय। तो मैंने बताया था कि न्याय व्यवस्था में जो जनपद न्यायाधीश होता था, ऑप्शन ये देखिए, महामात्र, महामात्र तो अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष भी नियुक्त किए थे। और इस न्याय व्यवस्था में मौर्यकालीन में हमने पढ़ा था व्यवहारिक महामात्र, जो व्यवहारिक महामात्र कौन होते थे, यानी कि नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था, जबकि यहां पूछा क्या है, जनपद न्यायाधीश और यहां है राज्योग। तो इसका आंसर भी क्या है, सही, राज्योग। तो इसका जनपद न्यायाधीश किसे कहेंगे हम, राज्योग को। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सही, राज्योग। देखिए ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, अंतपाल कौन होता था, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला, और साहस कौन था कि न्यायालयों में जो धर्मस्थीय न्यायालयों में चोरी डकैती और लूटपाट से संबंधित जो मामले होते थे वो क्या कहलाते थे, साहस कहलाते थे। बल्कि आंसर क्या है इसका, राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंगों में शामिल नहीं था, ऑप्शन देखिए, नंबर एक धर्म, व्यवहार, तीसरा चरित्र और ऑप्शन नंबर चार है भक्ति। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर दो का सही आंसर क्या है। क्वेश्चन है, चाणक्य के अनुसार कानून के चार मुख्य अंगों में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि चाणक्य ने कानून के चार अंग बताए और चार अंगों में धर्म शामिल है, व्यवहार भी शामिल है, चरित्र भी शामिल है, लेकिन भक्ति नहीं था। भक्ति की जगह क्या था, शासन, ठीक है ना। तो कानून के चार अंग हो गए, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। इसका राइट आंसर क्या है, नंबर चार, यानी कि डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए, ए ऑप्शन चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त,
नंबर सी श्रीगुप्त और डी में है स्कंदगुप्त। ये रहे चारों ऑप्शन, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नंबर चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और स्कंदगुप्त। देखिए सही आंसर मैंने बताया था जब गुप्त साम्राज्य पढ़ाया था कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। तो श्रीगुप्त कहाँ है यहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। श्रीगुप्त के बाद में जो प्रमुख शासक हुआ वो कौन हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसके बाद में समुद्रगुप्त, उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद में और भी शासक हुए थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 219 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 319 ईस्वी, ऑप्शन सी 320 ईस्वी, डी 220 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी? देखिए गुप्त संवत किसने किया था, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, और जो गुप्त वंश है उसकी शुरुआत होती कब से, 275 से, ठीक है ना। चंद्रगुप्त फर्स्ट जब शासक बनता है कब बनता है, 320 में, तो इसका राइट आंसर होगा 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर पांच, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? पांचवा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी में है हर्षवर्धन, और डी में है कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताएं। ऑप्शन समुद्रगुप्त, हरिसेन, हर्षवर्धन और कोई नहीं। तो देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक था वो कौन था, देखिए मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त था, इस समुद्रगुप्त के समय एक दरबारी कवि रहता था जिसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने जो प्रशस्ति लिखी उसका नाम था इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिसेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन तो होगा ही नहीं क्योंकि हर्षवर्धन इस वंश से संबंधित भी नहीं था, समुद्रगुप्त इस वंश से संबंधित था लेकिन समुद्रगुप्त ने स्वयं इलाहाबाद प्रशस्ति नहीं लिखी थी, समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था कौन, हरिसेन, उसने लिखा था इलाहाबाद प्रशस्ति को। अगला क्वेश्चन नंबर छह, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, बी समुद्रगुप्त, सी में है कुमारगुप्त, डी में है चंद्रगुप्त सेकंड। जल्दी से बताएं कमेंट में इसका सही आंसर कि किस गुप्त शासक ने,
कौन सी उपाधि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश का पहला प्रमुख शासक था। इसके बाद में जो शासक हुआ वो समुद्रगुप्त हुआ और समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहता था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है ना, और इसे कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई थी और इसे अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। इसकी जानकारी मिलती है कि यह एक संगीत प्रेमी शासक था, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी। चंद्रगुप्त जो सेकंड था, मैंने आपको पढ़ाया तब बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड ने शक विजय के पश्चात यानी कि शकों को हराने के बाद में जो उपाधि धारण की वो उपाधि थी विक्रमादित्य की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए में देखिए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी धर्मपाल और डी में है कुमारगुप्त। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या कुमारगुप्त? तो देखिए स्कंदगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक नहीं था, समुद्रगुप्त भी इसका संस्थापक नहीं था, धर्मपाल गुप्त वंश से संबंधित था ही नहीं, जो कुमारगुप्त था उसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का मतलब है मरम्मत कार्य, जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए देखिए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, सी में है श्रीगुप्त और डी में है कुमारगुप्त। देखिए मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत कार्य किस शासक ने करवाया, इस क्वेश्चन में पूछा है। इसका राइट आंसर बताएं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त, किसके द्वारा किया गया था? देखिए स्कंदगुप्त की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है और जूनागढ़ अभिलेख से ही ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का मरम्मत का कार्य जीर्णोद्धार कार्य करवाया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने और सेकंड ने यह कार्य करवाया नहीं था। श्रीगुप्त जो था उसने क्या किया, गुप्त वंश की स्थापना की और कुमारगुप्त ने एक उपाधि धारण की जिसका जो उपाधि थी महेंद्रादित्य के। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चीनी यात्री फाइयान किस शासक के समय भारत आया था? देखिए ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन,
बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी चंद्रगुप्त सेकेंड, डी कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है कि चीनी यात्री फाइयान, फाइयान के बारे में पूछा है कि यह भारत में किस शासक के समय आया था। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और कोई नहीं। देखिए हर्षवर्धन जो था वो गुप्त वंश से संबंधित नहीं था, तो इसके समय फाइयान भारत नहीं आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? हेनसांग। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय चीनी यात्री भारत ये फाइयान नहीं आया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा गया था इसके समय फाइयान भारत आया था। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मृच्छ कटिकम नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विशाखदत्त, बी में है हर्षवर्धन, सी कालिदास और ऑप्शन नंबर डी है शूद्रक। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। मृच्छ कटकम नाटक के लेखक कौन थे? विशाखदत्त, हर्षवर्धन, कालिदास अथवा शूद्रक, कौन थे? देखिए विशाखदत्त, मैंने आपको बताया था कि विशाखदत्त ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसने मृच्छ कटकम नहीं लिखी थी। हर्षवर्धन की रचना मैंने आपको बताया था नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कालिदास के ग्रंथ और नाटकों के बारे में मैंने आपको बताया था कि कालिदास ने हमारे सिलेबस के अनुसार दो, एक तो रघुवंशम महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। तो बचा कौन? शूद्रक। शूद्रक ने किसकी रचना की थी? मृच्छ कटकम नामक नाटक की रचना की थी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी शूद्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, वर्धन वंश के किस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, ऑप्शन नंबर सी प्रभाकर वर्धन और डी में है कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए कि वर्धन वंश के किस शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया था कन्नौज एक विस्तृत और उपजाऊ मैदान था, इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था। तो देखिए हर्षवर्धन, मैंने बताया वर्धन वंश जिसका दूसरा नाम है पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तीन प्रमुख शासक हुए थे। राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन तीनों दोनों युद्धों में परास्त हो गए, उसके बाद शासक कौन बना? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन ने अपने क्षेत्र को गंगा की घाटी यानी कन्नौज तक विस्तृत किया था, और उसने अपनी राजधानी भी किसे बनाया था? कन्नौज को ही बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कन्नौज को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि
कवि कौन था? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, वे वाणभट्ट, से हरिसेन और डे कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। ऑप्शन है कालिदास, वाणभट्ट, हरिसेन और कोई नहीं। तो देखिए कालिदास, जिसने मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी, जो कि हर्षवर्धन के समय नहीं रहता था। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और वाणभट्ट ने जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, हर्षचरित और दूसरी पुस्तक लिखी थी कादंबरी, ठीक है। और हरिसेन मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन देखिए, ए नंबर धर्मपाल, बी गोपाल, महीपाल और राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए क्या होगा? पाल वंश का सबसे महान शासक। तो देखिए पाल वंश के महान शासकों में धर्मपाल का नाम प्रमुख है, ठीक है। और धर्मपाल के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। महान शासक पूछे तो कौन आएगा? धर्मपाल। अगर पूछे कि पाल वंश की स्थापना किस शासक के समय हुई थी तो आंसर क्या होगा? गोपाल। लेकिन वर्तमान में इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 14, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन नंबर सी में है अमोघ वर्ष और डी में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कीजिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? देखिए मैंने बताया त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे, राष्ट्रकूट भी शामिल थे। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो की थी वो 736 में किस शासक ने की थी? दंती दुर्ग ने की थी। तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की लेकिन इसने कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। मैंने पढ़ाया था कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है बी अमोघ वर्ष के बारे में मैंने बताया कि यह एक शांति प्रिय शासक था। इसने शासन तो बहुत लंबे समय तक किया, लगभग 64 वर्ष तक किया था, लेकिन यहाँ कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए
गुर्जर प्रतिहार, बे राष्ट्रकूट, से चोल और डी में है पाल। देखिए सही आंसर कमेंट करके बताएं जल्दी से। त्रिकोणीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और पाल। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था वो तीन वंशों के मध्य हुआ था। पहला मैंने बताया गुर्जर जो प्रतिहार थे वो गुजरात में, गुर्जर प्रतिहार वंश का उद्भव हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था कि बंगाल में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद तीसरा जो वंश था वो था दक्षिण भारत में और इस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों में किसको लेकर के संघर्ष हुआ था? यह था कन्नौज। कन्नौज एक उपजाऊ और विस्तृत मैदान था। इस कन्नौज को लेकर गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के मध्य में संघर्ष हुआ था। तो इसमें देखिए कौन कौन है, गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, यहाँ अलग कौन है? चोल। तो इस वंश का राइट आंसर क्या होगा? चोल, यानी कि चोल वंश के जो राजा थे वो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं थे। तो ये आपका आज टेस्ट हुआ और टेस्ट में आपने देखा होगा कि हमने कितनी मेहनत की, कितने क्वेश्चन हमारे सही थे और कितने क्वेश्चन गलत थे। यदि जिसके ज्यादा गलत है क्वेश्चन, 10 या 12 से कम सही है, तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आगे के टेस्ट के लिए और ज्यादा मेहनत करें, चैप्टर जो पढ़ाए हैं, जो भी सिलेबस अब तक कराया है उसका रिवीजन बार बार करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल से संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट है यानी कि वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। देखिए आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे की आपकी क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। तो मिलते हैं अगले यानी कि मंडे को नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।